नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। इस अंक में हम आपसे चर्चा करेंगे कोरोना वायरस की और जो भारत की अर्थव्यवस्था, कुछ दोनों विषय जुड़े हुए हैं, कोरोना वायरस और मौजूदा अर्थव्यवस्था की स्थिति, और कुछ अलग भी हैं। अर्थव्यवस्था हमारी वैसे ही ढुलमुल हो रही थी और गिरती जा रही थी, कोरोना वायरस ने उसको जैसे एक तरह का फाइनल पुश दे रही है, मतलब बिल्कुल ही बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। क्या होगा, कैसे बच सकते हैं हम, अभी के क्या लक्षण है, इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करें। कोरोना वायरस पे कुल मिला के आज तक के जो संकेत हैं उससे भारत सरकार जिस तरह कदम उठा रही है, राज्य सरकार और प्रशासन जिस तरह कदम उठा रहे हैं, वो काफ़ी संतोषजनक है। इसका मतलब ये नहीं है कोरोना वायरस थम जाएगा, सबका मानना ये है। और दुनिया भर में WHO ने जिस तरह से इसको पैंडेमिक महामारी का वो खिताब दे दिया है इसको, और जिस तरह से बात हो रही है कि दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग इस पैंडेमिक के कोरोना वायरस के शिकार होंगे। भारत में अभी भी आंकड़ा 70-80 के करीब है, शायद एक मृत्यु हुई है कर्नाटक में, अभी उसकी भी खबर पूरी तरह से पुष्ट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये महामारी का रूप ले सकता है भारत में। लेकिन अच्छे कदम और सक्षम कदम उठा रही हैं केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी। केरल सबसे आगे है, हालांकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार, ज़्यादातर सरकारें काफ़ी अलर्ट हैं, अवेयर हैं, सजग हैं, और काफ़ी अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का कि कैसे सावधानी बरते हैं, किस तरह से 20 सेकंड तक हाथ धोएं, भीड़भाड़ के इलाकों से दूर रहें, किस तरह से किसी में भी ऐसा सिम्टम दिखे तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाए, आइसोलेशन में एकांत में रखा जाए, बाकी घर वाले उससे संपर्क कम से कम करें, किस तरह से ग्लव्स पहने जाएँ, मास्क का क्या उपयोग है क्या नहीं, अगर आप संक्रमित व्यक्ति के साथ हैं तभी मास्क पहने, वैसे मास्क पहनना आवश्यक नहीं है, और भीड़भाड़ के इलाके से, अननेसेसरी ट्रैवल से बचने का प्रयास करें। ये मैसेज मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरह से दे रही है सरकार। और कल जब 11 मार्च को एक तरह से क्वारंटाइन कर लिया है भारत ने अपने आप को, 13 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, और शायद ये अवधि आगे भी बढ़े डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि कोई भी बाहर से, अनलेस कि वो डिप्लोमैट है, कोई बहुत ज़रूरी बिजनेस ट्रैवल पे आ रहा है, ऑफिशियल एंगेजमेंट पे आ रहा है, कोई भी जना नहीं आ पाएगा, सारे वीसा सस्पेंड कर दिए गए। तो एक मजबूत प्रयास, लेकिन जिस तरह का ये वायरस है, जिस तेजी से ये फैल रहा है और जिस आसानी से ये फैल सकता है, उसकी वजह से चिंता होना लाजमी है। लेकिन घबराहट या पैनिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं, हालांकि 3-4% भी बहुत होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इससे इन्फेक्टेड होंगे वो बच जाएंगे 3-4% लोगों के लिए, और ख़ासकर जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो उम्र दराज हैं उनके लिए ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इसकी फेटेलिटी रेट 3-4% ही, और कुछ कंट्रीज़ में जैसे जर्मनी, जिसने सबसे अच्छी तरह से इसको थामा है, कंट्रोल करने का प्रयास किया, वहाँ पे 2% से भी लेस अभी तक फेटेलिटी रेट है। चाइना में रिवर्स हो चुका है, चाइना में अच्छी तरह कंट्रोल हो चुका है, साउथ कोरिया में अच्छी तरह कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अमेरिका का कुछ नहीं पता। अमेरिका इज़ द सिटिंग टिकिंग टाइम बॉम्ब, क्योंकि वहाँ पे अभी तक पूरी तरह से टेस्ट ही नहीं हुए हैं, बहुत कम टेस्टिंग किट्स हैं। राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं टेस्ट करने से कतरा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, और इसके फैलाव का तो आप देख ही सकते हैं, ब्रिटेन की हेल्थ मिनिस्टर को हो चुका है, टॉम हैंक्स जाने माने हॉलीवुड एक्टर और उनकी पत्नी को कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। तो इस वायरस से वैसे कोई बचाव नहीं है, सिवाय कि सावधानी बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरी भीड़ भाड़ की जगह भी नहीं, और अपने घर में ही स्वयं को ज़्यादा केंद्रित करें। अब इसका असर इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा, जितना आप यातायात से बचेंगे, अपने घर में रखेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, पैसे नहीं खर्च करेंगे, कुछ भी आवागमन सब कुछ बंद होगा, तो अर्थव्यवस्था का तो इससे ठप पड़ना है या काफ़ी अच्छी तरह से प्रभावित होना निश्चित है। और हमारी अर्थव्यवस्था वैसे ही एक बहुत ही स्लिपरी स्लोप पे चल रही थी। आज यानी कि 12 मार्च को इंडेक्स ने, निफ्टी ने अपना 2 साल का लो स्थापित किया था, करीब 9,700 के अंक पे पहुंच गई थी, और कितना गिरेगी, कहां तक गिरेगी, डूम्स डेयर, बहुत लोग हैं, बहुत लोग इस तरह की कल्पना कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत बुरा तो अभी होना बाकी। मेरा मानना है कि हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन समवे वी शुड बी नियर आर बॉटम एज फार एज स्टॉक मार्केट्स आर कंसर्न। हाँ, डिपेंडिंग ऑन अर्थव्यवस्था और कितना ज़बरदस्त हिट लेती है, उससे उस पर असर पड़ेगा, उसी अनुपात में हम और गिर भी सकते हैं। तो फिलहाल बेस्ट, जो अगर कोई स्टॉक मार्केट्स या मार्केट्स में होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि वो साइडलाइंस में रहे, ना तो ये बेचने का समय है शायद, ना ये खरीदने का समय है। अगर और गिरता है तो थोड़ा थोड़ा निबल करना शुरू कर सकते हैं आप, अपना 10% 20% जो आपकी सेविंग्स है और जिसकी आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। आप देखिए लार्जर लेकिन पिक्चर क्या है इकोनॉमी का, यस बैंक का, जो भारत का मतलब टॉप 5-6 बैंक्स में से था, प्राइवेट सेक्टर का थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट बैंक था,
वो किस तरह से दिवालिया हुआ है, उसमें 2 लाख करोड़ का उसकी मतलब उसके डिपॉजिटर्स हैं, उसको देने के लिए पैसा नहीं है, SBI और LIC को बेल आउट करने का कहा गया है, मतलब SBI और LIC की भी ठुकाई होना आर्थिक दृष्टि से निश्चित है और वो उनके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 330 रुपये के आसपास था वो 220 रुपये पे है 12 मार्च के दिन। तो कितना हम कब तक वी विल थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप बैंक को डूबने भी नहीं दे सकते, जिसके 2 लाख करोड़ रुपये अगर जमा खर्ताओं के डिपॉजिटर्स की जमा है तो वो कहाँ जाएंगे। तो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई है। और एक आपको मैं आंकड़ा सिर्फ एक बताता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कितनी ज़बरदस्त हम लोग एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं अर्थव्यवस्था के। जो टोटल NPAs हैं बैंक्स के, मतलब करीब करीब जो टोटल बुक है, सपोज आपने 100 रुपये उधार दिए तो उसमें से 10 रुपये का डूबना लगभग तय है, मतलब 9.5 to 10% of the total book of Indian banks is now NPA, supposed to be NPA's bad debt, जो वापस नहीं आने वाले। क्या इतनी बड़ी हिट हम ले पाएंगे? और अब जिस तरह की स्थितियां हैं, ना ऑटोमोबाइल्स की बिक्री हो रही है ज़्यादा, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, विमानों में ट्रैवल नहीं हो रहा है, एविएशन इंडस्ट्री सफ़र करेगी, उसी के से जुड़ी हुई जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ये सारी इंडस्ट्रीज। तो मतलब आने वाले दिन ऐसे हैं जब ज़रूरत इस बात की है कि आप जस्ट फासन योर सीट बेल्ट, टाइटली बैठिए, आपके पैसे को समझ से खर्च कीजिए, बिल्कुल बेफजूल कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये वो समय है जो जीवन में कभी कभी आता है जबकि सर्वाइवल इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर ये दौर से हम सर्वाइव करते हुए निकल जाएंगे तो अच्छा समय भी आएगा, क्योंकि कोई भी जो काली रात कितनी भी हो अल्टीमेटली सुबह तो होती है, तो ये दिन भी जाएंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि ये कठिन समय, ये जटिल समय, ये दुष्कर समय हम मजबूती के साथ, सावधानी के साथ और समझदारी के साथ ले करें। इसी के साथ मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार। का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट, घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो खबर छूटेगी नहीं, हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।